वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं हमारा गार्डन, जिसको बोलते हैं हमारी गद्दी भाषा में साड़ू। तो बेबलू जी, तो हम अपने साड़ू कहाँ से दिखाना स्टार्ट करें? राइट साइड से। नहीं, हम गेट से स्टार्ट कर देते दिखाना ना। हाँ। और फिर पीछे तक दिखाएंगे। ओके चलो। ठीक है चलो। साइकिल क्या करनी है? गाइस हम इधर से स्टार्ट करते हैं। इधर ये देखो, ये हमने क्या लगाया है? ये हमने लगाया है, ये लहसुन है। हाँ लहसुन है। और इस तरफ है, ये है क्या? ये क्यों है? हाँ क्यों है इसको, और मुझे पता नहीं क्या बोलते हैं। हाँ। के साथ ही ये हमारा एक लीची का पेड़ है। हाँ लीची का पेड़ है। लहसुन। और इससे नेक्स्ट वाले में ये लगा है प्याज। प्याज लगा है। और इसके साइड साइड में हमने ये देखिए, ये हमने लगाई है मेथी। और ये वाला है धनिया। और वो वाले देखिए, ये सामने हमने मटर लगाए हैं। और उसके साइड में हमने लहसुन लगाया है। उसके साइड में मेथी है। और बेबलू वो राई का साग है ना, वो गोभी है। और साइड साइड में मूलियां लगाई हैं, है ना। और ये फ्लावर के पीछे कौन सा वाला है? ये भी हमने लगाया है प्याज। और ये भी प्याज है। और ये उड़ी, प्याज की उड़ी है। प्याज की उड़ी लगा दी है। और ये है बैंगन। अभी इसके पौधे सूख गए हैं, ये बरसात से लगे हुए हैं। यहाँ से कहाँ से जा रही है? उस तरफ से चली जाती। और गाइज ये देखिए, ये हमारा गुलाब का फूल है। और ये सामने ये भी प्याज है। ये लहसुन है। ये भी लहसुन है। और ये प्याज है। ये प्याज है। और वो जो बीच बीच में वो राई का साग है। राई का साग। घास लगी थी ना बोलने, घास नहीं है। और गाइस ये है मटर। हाँ ये मटर है। और ये देखिए गाइस, हमारा पपीते का पेड़, इसमें कितने सारे पपीते लगे हुए हैं। बहुत ही ज्यादा मटर। चलिए तो पके नहीं। हाँ तो हम आपको इस वाले साल का टुकड़ा। हाँ ठीक है। और ये देखिए, आज इतनी ज्यादा हवा लगी थी, इतना ज्यादा तूफान आया था कि हमारे पपीते का पेड़ ये टूट गया है। और वो सामने आम का पेड़ है। और यहाँ सामने ये नीचे आलू लगाए हैं। और ये है मटर। ये सब मटर हैं, ये सब जो दिख रहे हैं मटर हैं। और ये हमने लगाई हैं मूलियाँ। ये जो हैं ये सब मूलियाँ लगाई हैं हमने। और इधर देखिए आप, पहले बेबलू की मत सुनिए, मेरी सुनिए। ये सामने लीची का पेड़ है। ये भी लीची का पेड़ है। और ये आम का पेड़ है। और वो वाला संतरे का, वो संतरे का पेड़ है। और वो भी साइड में संतरे का पेड़ है। तो गाइस ये देखिए, ये है, ये मेरे को लगता है ये है धनिया। हाँ धनिया, याद आ गया। और इसके आगे हम आपको बताते हैं, ये खट्टे का पेड़ है। ये हाँ, ये खट्टे का पेड़ है। और तीन खट्टे लगे। हाँ इसको दादी ने क्यों ढक दिया है? ढक क्यों दिया इसको? पता कि हवा ना लगे। अच्छा इसको भी हवा लगती है। और गाइस वो देखिए सामने, वो भी साग लगा है सरसों का। और वो देखो थोड़े संतरे गिर गए उस पेड़ से ना। चलिए गाइस अब मैं आपको अपने पीछे वाले जो साड़ू हैं इनका टूर करवाती हूँ, दिखाती हूँ हमने क्या बीजा है। और रुको, ये देखो, ये वाला एक पेड़ है यहाँ पर। ये कौन सा पेड़ है मम्मी बताओ? ये वाला जो पेड़ है, ये कौन सा पेड़ है? तो गाइस ये भी आम का पेड़ है। हाँ, ये आम का पेड़। और आप इसके नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे राई का साग लगा है, सरसों का साग लगा है। और ये देखिए सामने हमारी ब्रोकली जो है वो भी लग पड़ी है। ग्रीन वाले वो है ना। इस तरफ देखिए, ये सारी की सारी ब्रोकली लगी हुई है। तो
पे बहुत ज्यादा ब्रोकली है। और ये देखो ये कितनी छोटी वाली ब्रोकली है, ये देखो ये भी बड़ी होगी ना। हाँ फिर बड़ी होगी। हाँ। और ये देखिए गाइस, ये भी सारा हमने लहसुन लगाया है। बेबलू लहसुन, लहसुन और वो भी लहसुन है, वो भी लहसुन है। और इनके बीच बीच में क्यारियों में हमने ये सारी मूलियाँ लगाई हैं। और ये भी बैंगन है, ये बरसात से लगे हुए हैं बैंगन, और इसमें अभी तक बैंगन लग रहे हैं। और बैंगन के साइड में वो देखिए, ये भी हमने आलू लगाए हैं, ये भी लहसुन लगाया है। और ये हमारा एक और पपीते का पेड़ है। ये और पपीते का पेड़ बिल्कुल छोट गया था, इसका पत्ता सड़ गया एक। और ये देखिए गाइस सामने, ये भी एक और पपीते का पेड़ है। और इसके साइड में हमने मटर लगाए हैं। मटर लगाए, और वो देखो हमारे घर जो है ना, उसके साइड में भी एक पपीते का पेड़ है। हमारी जो गाय थी वो तो हमने बेच दी है, लेकिन अब मैं नहीं गाय की जगह में रहती है, जगह में रहती है। तो चलिए अब हम आपको यहाँ से आगे दिखाते हैं। और ये देखिए गाइस, इस पपीते के पेड़ में कितने सारे पपीते लगे पड़े हैं। तो बहुत ज्यादा लगे होते हैं। और ये भी लहसुन लगा है। ये देखिए गाइस, ये धनिया लगा है, धनिया लगा, उसके आगे ये पालक लगा है, पालक का साग लगा है। तो गाइस ये देखिए मेरे पीछे ये कितनी ज्यादा है, ये गोभी है, उसके साइड में ये मटर होंगे या फिर साग होगा। मटर नहीं है, ये साग है। और मैं आपको दिखाती हूँ जो हमारे गोभी के फूल हैं वो लग पड़े हैं। बेबू कहाँ गया गोभी का फूल? हाँ ये रहा गोभी का फूल। ये भी है, बीच बीच में काफी लगे हैं। गाइस ये देखिए पीछे, ये हमारी गौशाला है। अभी गाय तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम अपनी मेमनी को बांधते हैं। और गौशाला के साथ में ही मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए यहाँ पे भी बहुत सारे पपीते लगे हुए हैं। तीन नहीं चार है, ध्यान से देख। चल अब आगे चलते हैं। और गाइस वो देखिए सामने, वहाँ पे भी हमने साग लगा रखा है। हम आपको पास से दिखाते हैं। पास से नहीं दिखा रही मैं, चल इधर आ। चल अभी चल, इधर गाइस ये देखिए यहाँ पे भी हमने आलू लगा रखे हैं। यहाँ पे आलू, ये प्याज है, ये भी प्याज है, ये लहसुन है, और ये इस तरफ भी आलू लगाए हैं। ये भी आलू, ये भी आलू, और ये भी आलू। और ये सामने ये नींबू के पेड़ हैं। और कितना मोटा और बड़ा वाला वो मधुमक्खी का छत्ता है ना। कहाँ है मधुमक्खी का छत्ता? वो वाला पेड़ में, मुझे नहीं दिखाई दे रहा। बीच वाले पेड़ में ऊपर देखो हैं, अभी छोटा सा है, शायद मधुमक्खी का छत्ता ही होगा कि क्या होगा। और गाइस वो देखिए सामने कोने पे ये कड़ी पत्ते का पेड़ लगा है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा छोटा सा बगीचा कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। हाँ बोलो बोलो, और लाइक करना ना भूले, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूले। और अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को शेयर नहीं किया तो उसे भी जल्दी से कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय।